पाली में इंटरकास्ट मैरिज के बाद माता पिता के ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने के बाद पाली बार एसोसिएशन ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसमें माता पिता की सहमति के बिना प्रेम विवाह नहीं किया जाएगा। पाली अधिवक्ता बार एसोसिएशन ने एक अनोखा प्रस्ताव लिया, जिसमें घर से भागकर आने वाले लड़का लड़की को ना तो कानूनी सलाह दी जाएगी, ना ही कोर्ट में विवाह करवाने के दस्तावेज तैयार होंगे। अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि वकालत का पेशा अपनी जगह है, इंसानियत के दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी युवा अपने माता पिता का अनादर ना करे। उन्होंने कहा है कि एक पिता विभिन्न स्थिति परिस्थिति से जूझते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर अच्छी शिक्षा देता है, इसके बाद बच्चे बड़े होकर माता पिता को शर्मसार करते हैं, ये उचित नहीं। सभ्य समाज के लिए ऐसी घटनाएं नायक और शर्मनाक है और इस कारण बार एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से प्रस्ताव पारित करते हुए माता पिता की सहमति के बिना शादी करने वालों के लिए कानूनी सलाह नहीं दी जाएगी। अधिवक्ता बार एसोसिएशन का कहना है कि पाली में पिछले दिनों एक लड़के और लड़की ने प्रेम विवाह के हाथ से लड़की ने माता पिता को पहचानने से इनकार तक कर दिया था और लड़की के रवैये से परेशान होकर माता पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और इसकी वजह से जिले में सबसे बड़ा ये निर्णय लिया गया है। नवभारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि जो भी युवक और युवती परिवार के बिना इजाजत के भागकर आकर गलत तरीके से जो शादी करना चाहते हैं, जिनको शादी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ना कानून के बारे में जानकारी है, ना एक्ट के बारे में जानकारी है कि उसका भविष्य क्या होगा, उन लोगों को कोई भी विधिक सहायता नहीं दी जाए, ऐसी हमने अपील की। जिसका सीधा से सीधा ये फायदा मिले है कि उन बच्चों को सोचने का समय मिले और वो जाकर सही दिशा में जाए। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया बार एसोसिएशन का। बार एसोसिएशन के अंदर इंटरकास्ट मैरिज के अंदर पिछले 24 तारीख को एक लड़की ने इंटरकास्ट के अंदर मैरिज कर दी, उसके बाद उसके माता पिता ने सुसाइड कर दिया। सुसाइड होने के बाद में उसका भाई जो वो भी उसको गायब हो गया था या माता पिता ने किसी ने भेज दिया, तो उसके निर्णय के बाद में बार एसोसिएशन एक बड़ा निर्णय लेती है, क्या निर्णय लेती है इसके बारे में आपको बताएं। जो ये घटना घटित हुई थी, माता पिता ने सुसाइड की थी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर जाकर रेल के आगे कटकर, ये बड़ी दुखद घटना थी। सबसे पहले तो मैं उनके वृद्ध माता पिता को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मेरा निवेदन था जो बच्चे ये नादानी करते हैं, ये नादानी करने से पूर्व सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए ताकि लड़की समझ सके। अभी 18 साल 17 साल 16 साल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें नादानी पीरियड होता है, बचपना होता है, और उस बचपने के पीरियड में भावुकता में लड़की बह जाती है, तो उससे क्या है कि ऐसा करती हो जाता है, उससे नुकसान मतलब माता पिता को भाई बहनों को बुझाएगा होता है। इसलिए जो भी करती है करने से पूर्व या जो भी शादी करने से पूर्व एक बार माता पिता से पूछ लेना चाहिए। और मैं पाली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते तमाम अधिवक्ता गण ने ये निर्णय लिया है कि भाई अपन जो भी शादी कराएंगे उसमें अपने माता पिता की साख के बिना अपन शादी नहीं कराएंगे। पहले जो माता पिता की जो सगाई शादी होती थी वो किस तरह होती थी, मतलब जैसे लड़का लड़की भाग के आ जाते थे, पहले आने के बाद में आपके पास आते थे, उसको क्या सलाह दी जाती थी, किस तरीके से शादी? पहले शादी होती थी, जो शादी लड़के लड़की आते थे उन्हें हम अपना आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट देखने पर हम उनकी शादी करवा देते थे। अब हम शादी जब भी कराएंगे, जब माता पिता या परिवार का सदस्य होगा वो साख डालेगा वही हम करवाएंगे, उससे बिना नहीं करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज जो कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज का हिंदी शब्दों के अंदर क्या अर्थ है? इसमें जैसे हिंदू मुस्लिम की शादी होना या हिंदू हिंदू के अंदर होना या स्व जाति के अंदर होना, इसके बारे में पूरी जानकारी। अंतर जातीय शादी मतलब हिंदू के अंदर भी अंतर जातीय शादी होती है और हिंदू मुसलमान भी अंतर जाति की शादी में आते हैं, इसलिए ये शादी मतलब होना है, बच्चे बालिग हो जाते हैं लेकिन करते हैं। लेकिन मेरी सोच में अब जितने भी विधायक सांसद और राजस्थान का सीएम और सेंट्रल के पीएम, इनको एक कानून पास करना चाहिए ताकि उस कानून के अंदर बालिकाओं की उम्र 21 साल होनी चाहिए और उसमें ये कह देवे कि भाई जो भी शादी करे लेकिन उस शादी में माता पिता की साख अनिवार्य कर देनी चाहिए। ये एमपी के अंदर जो शपथ पत्र वाली शादी हो रही है वो पूर्ण किया अवैध घोषित हो गई है। ऐसे ही शादी
वैसे वैलिड तो नहीं होती है, मतलब शादी सप्तोदी प्रणाली और मतलब कलेक्ट्रेट के अंदर होती है, फोर्ट मैरिज उसे कहते हैं, जो 6 महीने का प्रोसीजर होता है।